लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर सपनों के सफर में हारने का मन कर रहा है, सब कुछ छोड़कर नॉर्मल जिंदगी जीने का मन कर रहा है, तो ये कहानी आपको हिम्मत देगी और इस छोटी सी कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी है एक आदमी और एक गधे की। इस कहानी को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच बदल कर रख देगी। एक आदमी जंगल से जा रहा होता है, उसके साथ में एक गधा होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो गधा एक गड्ढे में गिर जाता है। वो गधा काफी कोशिश करता है उस गड्ढे से बाहर निकलने की, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी वो गधा उस गड्ढे से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। उस आदमी ने भी काफी अलग अलग उपाय सोचे गधे को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो आदमी हार मानकर ये सोच लेता है कि उसका गधा अब उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता। वो आदमी सोचता है कि अब गधे को इसी गड्ढे में दफन कर देना चाहिए, ताकि इसे कोई जानवर मार कर खा ना ले। थोड़ी ही दूर मिट्टी का ढेर होता है। वो आदमी मिट्टी के ढेर से मिट्टी लाकर उस गड्ढे में गधे के ऊपर डालता है। वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी उस गधे के ऊपर डालता है, लेकिन कमाल की बात तो ये होती है कि गधा दफन होने के बजाय मिट्टी के सहारे ऊपर ऊपर आता है। यानी धीरे धीरे मिट्टी की वजह से वो गड्ढा भरता रहा और वो गधा ऊपर आते रहा। दोस्तों, जहां एक वक्त उस आदमी ने हार मानकर और यह सोचकर उस गधे को दफनाने का निश्चय किया कि उस गधे को बचाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो आदमी उस गधे को दफना रहा था, उसी तरीके से उस गधे की जिंदगी बच गई। दोस्तों, हमारे लाइफ में भी ऐसा वक्त बार बार आता है जो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में ऐसी मुश्किल है जिसका कोई हल नहीं है, लेकिन सच्चाई तो ये है, ऐसी कोई मुश्किल ही नहीं है जिसका कोई हल ना हो। यानी हर मुश्किल का हल है। आवाज पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।